वेलकम टू अमन ऑन मूवीज। आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं अजय देवगन और रोहित शेट्टी के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि अजय देवगन के लिए 2019 का साल बहुत ही शानदार रहा है। अजय देवगन की दो मूवीज रिलीज हुई, एक तो दे दे प्यार दे और दूसरी थी टोटल धमाल। दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार अर्निंग की और सुपरहिट रही। उधर दूसरी तरफ रोहित शेट्टी के भी अच्छे दिन चल रहे हैं। रोहित शेट्टी ने ब्लॉकबस्टर मूवी दी थी पिछले साल सिम्बा, जो कि बहुत शानदार अर्निंग की बॉक्स ऑफिस पर और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंड्स, जब जब भी अजय देवगन और रोहित शेट्टी साथ में आते हैं तो बॉक्स ऑफिस को फायर लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। और फिल्म असल में अच्छी भी होती है और ब्लॉकबस्टर भी होती है। आपको पता ही है कि दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा रहा है सिंगम मूवी से लेकर अब तक। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कॉमेडी मूवीज में भी देखने को मिला है। जैसे कि कॉमेडी फिल्मों की बात की जाए तो गोलमाल की सभी फिल्मों ने हमेशा से लोगों को खूब हंसाया है। अब फैंस के लिए खुशखबरी है क्योंकि रोहित शेट्टी ने गोलमाल 5 की तैयारी करनी शुरू कर दी है। रोहित शेट्टी इन दोनों अपनी आगामी फिल्म सूर्यवंशी पर काम कर रहे हैं, जिसके तुरंत बाद गोलमाल 5 की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। आज सुबह अजय देवगन ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें एक तरफ खड़े हैं रोहित शेट्टी, दूसरी तरफ अजय देवगन, और नीचे लिखा है ए फिल्म फ्रेंचाइजी विच इज नॉट ओनली द लॉन्गेस्ट रनिंग वन इन द हिंदी सिनेमा बट ऑल्सो हैपन टू बी वन ऑफ द माई फेवरेट्स। प्रिपेयर योर सेल्फ टू येट अनदर लाफ रूट विथ गोलमाल 5। फ्रेंड्स, आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ऐसी ही बॉलीवुड लेटेस्ट न्यूज और बॉलीवुड ओल्ड स्टोरीज के लिए देखते रहिए मेरा चैनल अमन ऑन मूवीज, और प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस द बेल आइकन टू। आपका होस्ट मिस्टर अमन साइनिंग ऑफ।